मैं कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और चाइना से मुठभेड़ में हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी है उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि नेपाल जैसे छोटा सा देश भी अपनी सीमा बढ़ा रहा था, हमारी सीमा कम कर रहा था, अपने नक्शों में संशोधन कर रहा था। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे विश्व को एक संदेश जाए कि भारत अहिंसा में विश्वास करता है लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। हमें हमारी सेना पर पूर्ण विश्वास है कि वह कड़े से कड़ा जवाब चाइना को देंगे। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप चाइना के से आए हुए उत्पाद या चाइनीज कंपनियों से बने हुए उत्पादों का बहिष्कार करें ताकि हम भी उनकी अर्थव्यवस्था को पर ठेस पहुंचा सकें और उन्हें बता सकें कि हम भारतीय हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। और उन्हें हमारे सैनिक तो जवाब देंगे ही देंगे, हम आम जनता इनके उत्पादों का बहिष्कार करके इन्हें हम जवाब दे सकते हैं। आपका नाम? कपिल सारस्वत, अध्यक्ष आईटी सेल जिला कांग्रेस कमेटी। कल जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। ये जो मुद्दा है भारत और चीन का काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और हमेशा चीन हमारे साथ बहुत गलत तरीके से, अवैध तरीके से हमारी सीमाओं में घुसता चला रहा है लगातार। फिर भी भारत सरकार की कोई जवाब दे रही है। गृह मंत्री भूमिगत हैं, प्रधानमंत्री जी देश संभल नहीं रहा है, कोरोना महामारी की स्थिति भी नहीं संभल रही, देश की आर्थिक स्थिति भी खराब है। हम ये ऐसे समय में प्रधानमंत्री सबसे पहले तो उनसे हम इस्तीफा मांगते हैं। दूसरी बात, हमारे देश के जो वीर सपूत हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इतनी बड़ी सैन्य शक्ति भारत के पास होने के बावजूद भी चीन हमें बार बार आग दिखाता है, तो मैं अब कहना चाहूँगा हमारी सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें खुली छूट दी जाए। जब पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने वाहवाही लूटी, चुनाव में उसका प्रदर्शन किया, उसका ऐड किया और फिर उसके मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ा, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, आज करके बताए जब हम मानेंगे सब प्रधानमंत्री जी का कि 56 इंच का सीना है या उनका 20 इंच का, 19 इंच का सीना है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सैनिक उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आने वाले समय में चीन ये हिम्मत नहीं करेगा कि वापस हमारे साथ ऐसी दुखद घटना दोबारा घटे। आपका रूप सिंह नायक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जी जी।